नहीं कोई अन्यत्र, नहीं कोई अन्यत्र। कीर्ति आपकी गा सकूं माता में मति मंद, मोह शारदा रूप में दो वाणी स्वर छंद। शक्ति भक्तन सुखदाता, हिंगलाज में वास तिहारो, भैरव भीम नयन रखवारो, दक्ष सुता सबका जन दक्षा, शंभु प्रिया करती जग रक्षा। अति दुर्लभ हिंगलाज भवानी, यज्ञ जब गई भवानी, शिव विरोध लख भई गिलानी, मखमह नाही शंभु कर भागा, पति अपमान दीन तन त्यागा, सती देह कांधे शिव धारी, कर रहे तांडव प्रसन्न हिंगुला माता।
अमर किया आला कर गाता। नाथ मचंदर जोगी आया हिंगलाज में अलख जगाया। द्वारपाल जब रोकन आए तीन पर सावर मंत्र चलाए। शक्ति दल सत्वर आया तिन पर योगी शस्त्र चलाया। हिंगलाज माता जब आई देखी मच्छंदर को मुस्काई। चरणन परे मच्छंदर नाथा हम तो दास सदा तू माता। भगतन सुखदाई रूप धारि वरदीन उमाई। धरि स्वरूप ललिता को अम्बा भंडासुर हति भई अवलंबा। सिंह वाहिनी दुर्गा माता बन गई महिषासुर खल घाता। रंभ करंभ असुर तिन मारे मोहिनी रूप मात जिन धारे। यार करती दुख दूरा कामक्षा काली महतारा। सर्वपीठ में वास तिहारा। 64 कोटि योगिनी आनंद सुख पावे। क्षेत्र बलूचिस्तान में वासा विग्रह पूजार्चन का प्यासा। अजनानी की कहे त्योहारा लेच करें तह अत्याचार। खाए अभक्ष अभक्ष चढ़ावे धर्म मिटावे पाप बढ़ावे। हिंगुला मात अनुग्रह कीन्हा स्वप्न स्वरूप आनंद को दीन्हा। आकुल व्याकुल होकर माई आप व्यथा की कथा सुनाई। सुनो जगत गुरु कहानी हमारी मरथल में हम बहुत दुखारी। छोड़ा चाहत मृच प्रदेशा ले चालो हिमगिर के देशा। ऐसे स्थान करो अब स्थापन पंचधार बहती जहां पावन। आज्ञा सुन गुरु
उत्तर दिशा नर्मदा तीरे गुप्त गुफा उपलब्ध भैरे गोविंद पादाचार्य का स्थान सुगुरु स्वरूपानंद पहचाना अति रमणीय प्रकृति का अंचल बहे पंचधारा जहां निर्मल दहन गुफा शिवलिंगाकार यहां बसा ही गुलाब भयहारा विधिवत स्थापित भई भवानी संग आयो भैरव वरदानी जा दिन ही गुला को पधरायो भूमि कंप हिंगलाज में आयो पंचधारा तीरथ यही जानो यही विकल्प हिंगलाज का मानो अभिनव अमित अनिंद्य अनूपा आदि सती का शाश्वत रूपा श्री चरणों की शोभा न्यारी ऊर्ध रेख ध्वज अंकुश धारी नूपुर पहरी मातु जब डोले मानहु सृष्टि पगों में बोले चार भुजा आयुध से युक्ता भव भय मुक्त करे आद्योपांत रूप अनियारा नासाग्रे मन कृष्ण के शिको दर्शन नीको निगम ने सहित जो ध्यान लगावे सो जन चार पदार्थ पावे मूरख पावे ज्ञान प्रबोध विद्या निपुण रहे मन शोधा नाम कवच धारे जो कोई रोग शोक भय काहि न होई बैरी बैर कपट छल त्यागे हिंगलाज पद जो अनुरागे संत
सति दाई करुणामयी हिंगुलामाई पंचधार कंदर में जाई साबर मंत्र जपो मन लाई सीत पीठ हिंगलाजा सिद्ध करे सबके सबकाजा भक्ति विवश हमने चरणों में स्थान अपना बालक जान ध्यान में आई जो हिंगुला माई तो ध्यान रहा नहीं और किसी का हर सुख से मुख मोड़ चले गुरु छोड़ चले तट रेवा नदी का मरथल वासिनी मात ने मांगा मरथल वासिनी मात ने मांगा कोना भारत की धरती का अनूप वन गिरी कंदर में गुरु वासा ढूंढे आदि सती का अनूप वन गिरी कंदर में गुरु वासा ढूंढे आदि सती का के हरी वाहिनी मात के काज को सिंह समान चले गुरुदेवा भूल गए सब साथी संघाती के भूल गए सब कंद कलेवा मार्ग है तू गुरु जी ने बांधी मार्ग है तू गुरु जी ने बांधी भक्ति की पोटली भाव की मेवा भाग बड़े उनके जिन पाई त्रिभुवन सेविता मात की सेवा भाग बड़े उनके जिन पाई त्रिभुवन सेविता मात की सेवा ऐसे वन में प्रवेश कियो गुरु हाथ को हाथ जान ही सूझे गैल बतावन हार न कोई कंटक मैं पथ से पग जूझे बीहड़ झाड़ झंकारन में बीहड़ झाड़ झंकारन में जे बटो ही कहाँ निज मार्ग खुजे हिंगला माई जो आपनो धाम ना आप बतावे तो का कोई बूझे हिंगला माई
जो आपनो धाम ना आप बतावे तो का कोई बुझे। ऊंचो पहाड़ बुलाए रहो रमणीय गुफा अंतर में छुपाए, बहती देख वहां पंचधारा को हर्ष के आंसू नैनन आए। मेल मिले अनुकूल यहां, मेल मिले अनुकूल यहां, सब इसके आगे पग नहीं जाए। मात को धाम यही बनी है, जय हिंगला कहे गुरु बर मुस्काए। मात को धाम यही बनी है, जय हिंगला कहे गुरु बर मुस्काए। धन्य स्वरूपानंद जगत गुरु शंकराचार्य महाव्रतधारी, दुर्लभ काज असंभव बात प्रभु तुमने संभव कर डारी। ले आए हिंगलाज प्रकट, हिंगला में है तारी। माँ को प्रणाम गुरु को प्रणाम के हम तो दो उनके बलिहारी। माँ को प्रणाम गुरु को प्रणाम के हम तो दो उनके बलिहारी। एक रत्न
से भर गया तित धनपति का कोष। गिरिजा मां के लाल का दर्शन कर संतोष। गिरिजा मां के लाल का दर्शन कर संतोष। उन्नत काय सुवर्ण वर्ण धरण सौंदर्य विलोकत मदन मान चरण। Thank you.
नमाम्यहम् सादर नमाम्यहम् अंतःकरण प्रबुद्ध शुद्ध करणम् शुद्ध करणम् श्री स्वरूपानंद सरस्वती शरणम् गुरुवर नमाम्यहम् सादर नमाम्यहम् का पूजन कर हमें देते हैं गुरु मंत्र उसका पूजन कर हमें देते हैं गुरु मंत्र जीर्ण मंदिरों का नवीन करणम नवीन करणम रामालय स्थापक चंद्रमौली धरणम
उत्तरामनाय श्री ज्योतिर्पीठाधीश्वरः गोमती तीरवासिनः पश्चिमामनाय श्री द्वारिका शारदा पीठाधीश्वरः अनंत श्री विभूषिताय जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते तराम। तेरी आरती हम भक्ति सहित मैया
मंगला माँ की आरती, भक्तों के दुख तारती। कवच अर गला की लख तेरे, जो पढ़ती उन्हें भय नहीं घेरे। मंगला माँ की आरती गावे जो एक संग, शोक रहित आत्मा रहे रोग रहित हो अंग, शोक रहित आत्मा रहे रोग रहित हो अंग। जय जय हिंदू ना भवानी महा माया महारानी, हम प्रेम सहित मैया उतारे तेरी आरती, हम प्रेम सहित मैया उतारे तेरी आरती। श्री हिंगलाज नमः नमः। धर्मावलंबी भक्तगण, आदिशक्ति हिंगलाज भवानी का जो सिद्धपीठ कभी बिलोचिस्तान का सौभाग्य था, आज हम भारतवासियों को सहज है, सुगम है, उपलब्ध है। इसका सारा श्रेय जाता है अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर तथा द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज को। मैं रविंद्र जैन उनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के ही आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, प्रेरणा से, आज्ञा से मातृश्री हिंगलाज भवानी की यह भक्ति भरी रचना संभव हुई है। जिस अवर्णनीय मातृश्री का वर्णन निगमागम नहीं कर सकते, उसे शब्दों और स्वरों में ढालना भला मेरे बस की बात कहाँ। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो आनंद का साक्षात स्वरूप है, धर्म संस्थापक, धर्म परिवाहक, धर्म रक्षक, जितनी भी उपाधियाँ दी जाएं कम हैं। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के योगदान उल्लेखनीय भी हैं, अविस्मरणीय भी। उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, विद्यार्थियों हेतु विद्यालय, रोगियों हेतु चिकित्सालय तथा गौरक्षा हेतु गौशालाएं बनवाई। हिंगलाज भवानी को मध्य प्रदेश की मध्यमणि बनाकर पंचधाराओं के मध्य स्थापित किया। मातृश्री को निवेदित यह भावभीनी भेंट आप सबके हृदय मध्य अपना स्थान बना सके, यही कामना करता हूँ। गुरुदेव का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए गुरुदेव से सविनय निवेदन है कि इस विनयांजलि का लोकार्पण करें। भक्त तू ढूंढे कहाँ रे, जो वहाँ थी वो यहाँ रे। श्री हिंगुलाय नमः, श्री गुरुदेव नमः।